शिर्डी साई बाबा फाउंडेशन के राष्ट्रपति अवार्डी व साई बाबा की 45 पुस्तकों के लेखक आशीम खेतरपाल, जो अपने द्वारा श्री शिर्डी साई बाबा के काम के लिए प्रसिद्ध हैं, उनके द्वारा लिखित पुस्तक साई विभूति का विमोचन आज साई मंदिर सेक्टर 29 चंडीगढ़ में किया गया। इस दौरान मंदिर पदाधिकारियों व चंडीगढ़ के जाने माने साहित्यकार प्रेम विज, भंडारी अदबी ट्रस्ट के अशोक भंडारी व प्रसिद्ध थिएटर कलाकार विजय कपूर आशीम के साथ साई बाबा फाउंडेशन के पुस्तक साई विभूति का विमोचन करने पहुंचे। ये शिर्डी में बाबा का नीम का पत्ता नीचे गिरा और 2 घंटे के बाद जब अपने पूरे दर्शन दिखाए तो मुझे नहीं पता था कि बाबा ने मुझे इस राह पे निकाल दिया है कि मैं प्रचार करूं। वो फिल्म बनी शिर्डी में, उस टाइम 1-2 हज़ार आदमी आता था। फिल्म बनी 10,000, 20,000, 25,000, 40,000, आज 5 लाख आदमी आता है। ये पुराने जन्मों का कोई कर्म होता है जब आपको सेवा मिले कि आप किसी मास्टर के साथ काम कर पाओ। और आज तक इतनी फिल्में देखी मैंने, कोई 18 साल में इस ढंग से बाबा का प्रचार हुआ मैंने कहीं नहीं देखा, किसी मास्टर का इस ढंग से प्रचार होता हुआ। हाँ, ये बात ज़रूर है, हम 1700 गांव गए हैं, 300 सिटीज़ गए हैं बाबा का प्रचार करने के लिए, और मगर इस विभूति ने मेरी जान बचाई। जब हम डेथ बेड पे थे तो इस विभूति ने किस ढंग से हमारी जान बचाई, उसके बाद हमने इसका प्रचार किया, जितने भी 2008 से ज़्यादा प्रोग्राम सीरियल के अंदर, फिल्म के अंदर, और आज ये विभूति एक इस पैंडमिक में लोगों को बचा रही है, वो भी विभूति चाटने लग गया है। तो दिस शोज दैट जहाँ पर पवित्रता हो, जहाँ पर आस्था हो, विश्वास हो, उसको कोई मेडिसिन नहीं चाहिए। और आज जो विभूति का किताब इस पैंडमिक में निकलने का मतलब, लोग इसको जाने, इसको पहचाने, इसको पढ़े कि उसका मतलब क्या है। विभूति अगर देखी जाए, बार्क से, लकड़ी से, पेड़ की लकड़ी से, गोबर से, उपला से जलती है, और वो जो केमिकल्स देती है वो हमारी बॉडी को, हमारी नेगेटिविटी को ख़त्म कर देती है। नहीं, बुक तो ये 46th बुक है बाबा, और हमारे ऊपर 42 बुक्स लोगों ने वर्ल्ड वाइड लिखी हैं, और जो हमारी बायोग्राफी है जो कनुप्रिया ने लिखी है वो बेस्ट सेलर है अमेज़ॉन पे, और एक जो किताब है हरता पीर फकीर जो अभी लॉन्च हुई थोड़े दिन पहले, वो भी रेडियो टॉक्स। तो हम जो बात करते हैं वो बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से बात है, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंसड ऑल द 54 अध्याय ऑफ साई चरित्र। आई हैव एक्सपीरियंसड द पावर ऑफ वीट एंड हैजा कैसे गया है, आई हैव एक्सपीरियंसड दैट, आई हैव एक्सपीरियंसड चोट लगी तो विभूति ने कैसे ठीक किया है, आई हैव एक्सपीरियंसड सांप ने डस दिया है तब क्या हुआ है, हाउ पीपल हैव गॉट सेव्ड, एंड आई जस्ट गिव आंसर्स फॉर वॉट आई गेट एंड आई डोंट टेक क्रेडिट। मैं कभी भी बोलता हूँ, मैं बाबा से हमेशा बोलता हूँ, मैं आपके और भक्त के बीच में मैं एक बावर्ची हूँ जो आया हूँ आपको ठीक करने के लिए, आप वो बात सुन लो, और जब बात सुनते हैं वो लोग ठीक हो जाते हैं। तो आई टेक नो क्रेडिट फॉर इट, बिकॉज मेरे को पता है इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, वो उसने चुना है, आई हैव नो आंसर टू दैट। और मेरे को इतनी खुशी है कि मैं उसी का काम करता रहूँ एंड लोग बचते रहें, लोग ठीक होते रहे, बिकॉज जो दुआएं होती है इज बिगर देन एनी वेल्थ इन द वर्ल्ड। तो हम समुंदर छोड़ के आ रहे हैं, समुंदर छोड़ के। तो ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।